मुझे तो ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आप मेरी सुनते कहाँ हैं? देखो, इससे बढ़िया घर हमें कहीं नहीं मिलेगा। और तो और, ये फार्म हाउस है और वो भी इतने कम दाम में मिला है। सोचिए तो, इतनी मेहरबानी किस लिए? होगा कोई भूत प्रेत पर विश्वास करने वाला। आप तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, यहाँ तो मुझे ही रहना पड़ेगा ना। बस एक महीने की बात है, मम्मी पापा भी आ जाएंगे। पर उनके आने तक क्या करूँ, मुझे अकेले नहीं रहना। अपने दिमाग से डर निकाल दो, सब ठीक हो जाएगा। बाय बाय। Yeah.
एक्चुअली मेरे करोड़ों रुपए कमाने के पीछे किसी का भी हाथ नहीं है, सिर्फ मैं हूं। हार्ड वर्क तो मैंने कभी नहीं किया, मेरा दिमाग नॉलेज बस यही काम आई कि मैंने इतना पैसा कमाया। मैंने बहुत बेइज्जती सही, बहुत मुश्किलें। ए, बस कर। ये कब से खड़ा है कोर्ट लेने के लिए? कोर्ट दे इसका, बेचारे की रोने वाली शक्ल हो गई है। मैं देने ही वाला था, एक घंटे में देने वाले थे, तीन दिन हो गए फोन भी नहीं उठा रहे हो। दे इधर। मैं देने ही जा रहा था कि वो आ गया। ए, ये घर पे इंटरव्यू के नाटक बंद कर, सिटी सेंटर मॉल जाकर टोकन देने वाली जॉब का इंटरव्यू दे। मैं ऐसे छोटे काम नहीं करूंगा, बस एक बड़ी मछली फंस जाए फिर बन जाऊंगा करोड़पति, यही मेरा टारगेट है। इतना मारूंगा कि टूटी हड्डियां जोड़ने हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कौन सा काम करके बनेगा तू करोड़पति? कौन देगा तुझे काम? सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। वो कौन सी जॉब देंगे तुझे? मैं कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट करूंगा, हर हॉट सीट पर बैठकर शान से आंसर दूंगा और टशन में कमाऊंगा 1 करोड़, देख लेना। ए, हमारे स्टेट का गवर्नर कौन है? कोई ना कोई तो हो गई। कुछ नहीं आता, केबीसी में जाएगा। अरे थोड़ा बहुत तो दिमाग में जोर डाल। आप क्या किया तूने? वो तुझे क्यों डांट रहे थे? भाभी इतिहास गवाह है, महापुरुषों ने हमेशा बड़ों की डांट खाई है, पर आखिर में जीत किसकी होती है? उन्हीं की होती है। देखना मैं 1 करोड़ रुपए जीतूंगा तो सबकी बोलती बंद। मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ जानता हूँ क्या लाना है। ए, रोक रोक गाड़ी रोक। ऐसा कब देगा? भाई कब देगा? जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं पक्का लौटा दूंगा भाई। क्या भाई? हाँ भाई, पैसे लेने के लिए तो बड़ा हीरो बन के आया था, पैसे देने का समय आया तो पूछ अंदर कर ली, निकाल पैसे। भाई पैसे मैंने लिए थे लेकिन अपने लिए नहीं, दोस्त के लिए, लेकिन उसने अब तक वापस नहीं किया। भाई भाई मारना नहीं है। वो दे ना दे तू दे, वरना हमें पैसे निकलवाने आते हैं क्या समझा? सीधे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा घसीटते हुए, किडनी बेच के पैसे वसूल करूंगा। भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं पक्का पैसे दे दूंगा, प्लीज प्लीज भाई। अबे रोजू भाई, भाई। राजू मेरे 1 लाख रुपए कब देगा तू? अरे ये चोट कैसे लगी? पीकर लुढ़क गया था क्या कहीं? अबे नहीं बे, यादव ने मारा मुझे, कह रहा था किडनी बेच देगा अगर पैसे वापस नहीं किए, बिना किडनी के कैसे रहूंगा मैं। आइडिया तो अच्छा है। क्या? किडनी बेचकर 10 लाख मिलेंगे ना, 1 लाख उसे दे देना, 9 लाख बचेंगे उसे तू अपने पास रख लेना, हो गए ना प्रॉब्लम सॉल्व। किडनी बेचकर 10 लाख रुपए मिलेंगे, उसके पैसे उसको दे दू, बाकी मैं रख लूंगा। और क्या, एक काम कर भाड़ में जा तू, दोस्ती के नाम पे कलंक है तू। ओए तू टेंशन मत ले और ना मुझे दे, जल्दी हम लोग 1 करोड़ कमाने वाले हैं, आजा। चल देखते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में, जाने का प्रोसेस क्या है। अबे एंट्री की प्रोसीजर पता नहीं है और 1 करोड़ रुपए जीतने की बात कर रहा है इतने कॉन्फिडेंस से, किसी की नजर ना लगे। अब ये क्या है? ओपन चैलेंज, साबित करो कि भूत है या नहीं, अगर साबित कर दिया तो मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान और भूत दोनों होते हैं, और कुछ का मानना है कि यह भ्रम है। ये बहस 100 सालों से चली आ रही है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बहुत ही बड़े प्रोफेसर श्री KL नारायण ने साइंस वर्सेस घोस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जो ये साबित करेगा कि भूत होते हैं उसके लिए 5 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो संपर्क करें इस एड्रेस पर, KL नारायण, जुबली हिल्स। मिल गया 5 करोड़ जीतने का रास्ता, चल मेरे साथ। तुम्हें ने फोन किया था? इंटरनेट पर पढ़ा था कि आप उसे 5 करोड़ देंगे जो साबित करेगा कि भूत है। सर एक बात पूछूं, ये साबित होने से आपको क्या मिलेगा, आपका क्या फायदा, आप क्यों पैसे दे रहे हैं सर? ये बात पूछनी थी। दरअसल जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है मेरे सब्जेक्ट में से कम सवाल पूछे जाते थे, और सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता था कि दुनिया में भूत या सुपर पावर्स होती हैं या नहीं। साइंटिफिकली ये बात साबित करने के लिए हिमालय पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की, काशी के संत और गुफाओं में अघोरीज ने की, बल्कि मैंने भी बहुत सारे भूत प्रेत देखे, पर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिला। जब जब ख्याल आया जाने दो, हर बार मन ने कहा कि भूत होते हैं। बाप रे। मैंने सुपर नेचुरल पावर्स पर यह किताब भी लिखी है। ये सवाल बार बार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है
कि भूत होते हैं या नहीं और मुझे चैलेंज करता है कि मैं ये जवाब नहीं दे सकता, तो मैंने एक फैसला किया। अमेरिका की रैंडी संस्था की तरह भारत में भी एक ऐसी ही संस्था की स्थापना की जाए, इसलिए मैंने यहां साइंस वर्सेस घोस्ट की स्थापना की। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई इनाम के लालच में आकर सच में साइंटिफिक सबूत जुटाकर यहां आ ही जाएगा। किस तरह का सबूत चाहिए आपको? फोटोज, वीडियोस, ऑडियोस, एनीथिंग। सर, भूत होते हैं, मैंने कई बार देखे हैं, मैं आपको सबूत लाकर दूंगा। बहुत से लोगों ने ऐसा कहा, पर जानते हो वो सिर्फ ग्राफिक्स लाए। ये देखो, रैक्स में ढेर लगा हुआ है। अच्छा सर, आप 5 करोड़ रुपए कैसे देंगे, चेक में या कैश में? ट्रांसफर करवा ले। और टीडीएस काटेंगे तो मैं जीएसटी का बिल दूंगा। तो डील पक्की सर। चलते हैं सर। सर, सबूत लाने के बाद मजाक तो नहीं उड़ाएंगे ना? मजाक? मजाक क्यों उड़ाएंगे? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके चल, जल्दी चल, मैं कैसे भी करके भूत को पकड़ लूंगा। हाँ, भूत खुद चल के आएगा ना। अमावस्या की रात को 12 बजे पैदा हुआ था मैं, मुझे भूत पक्का दिखेंगे। लेकिन प्लान क्या है बे तेरा? कैमरा लेकर कब्रिस्तान जाएंगे, फटाफट फोटो खींचेंगे, प्रिंट निकलवा कर प्रोफेसर को देंगे, काम खत्म। हाँ, भूत माल्या की मॉडल्स है ना, बड़ा आया। चुप कर, जो पैसे मिलेंगे उसमें से 10 लाख दूंगा, अपना उधार चुकाने के बाद बाकी पैसे उधार पर दे देना। अरे यार, पता नहीं ऐसा हो पाया गया नहीं, पर सोच के मजा आ रहा है कि अनसेंसर्ड वीडियोस देखने का घर पे मजा लूंगा, वो भी 5D पर। हाँ, तो तैयार है ना, हम 10 बजे कब्रिस्तान जाएंगे। क्या कहा? मैं क्यों कब्रिस्तान जाऊंगा? अरे भूत को पकड़ने, और क्या। ए भाई, इस मामले में मुझे बख्श दे, मुझे इस बात से बहुत डर लगता है। मैं तो अपने दादा के क्रियाकर्म के लिए अभी कब्रिस्तान नहीं गया था। मैं नहीं जाऊंगा, तू ही जा। नहीं जाएगा? नहीं नहीं जाएगा, बोला ना नहीं। 1 लाख दूंगा बस। अरे नहीं यार, ये तो गलत बात है। तो सुन, साथ चलेगा तो पैसे में हिस्सा मिलेगा, नहीं तो जाओ उस यादव के पास, चटनी बनाएगा तेरी। कैसा दोस्त है ये, किस्मत ही खराब है मेरी। जो बताया वो लिखो, ठीक है? लिखो है। मैं अभी आती हूँ, चलो लिखो। मधु को बुलाओ, इतनी शुद्ध हिंदी तो ये नहीं लिख सकती। आज का हमारे ये शो समाज में व्याप्त अंधविश्वास के ऊपर है। प्रजा चैतन्य वर्धी एक ऐसी संस्था है जो लोगों के अंधविश्वासों को दूर करती है और उनमें जागरूकता लाती है। जिन्होंने संस्था को खड़ा किया है वो है मिस्टर राजा रेड्डी साहब। नमस्ते सर, मेरे शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैंने सुना है कि प्रजा चैतन्य वर्धी के लिए आपने अपनी जॉब छोड़ दी, अंधविश्वास को दूर करने के लिए आपने अपने व्यक्तिगत जीवन को भी दांव पर लगा दिया, इन सब के लिए आपको प्रेरणा कहां से मिली? मेरी पैदाइश एक गांव की है। मेरी बड़ी बहन जब छोटी थी तब उसको एक मानसिक रोग हो गया था। उन दिनों मेरे माता पिता को इस भयंकर बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं था, उन्हें लगा उस पर प्रेत का साया है, इसलिए वो उसे एक तांत्रिक के पास लेकर गए। भूत बाधा दूर करने के लिए उस तांत्रिक ने छड़ी से मारकर मेरी बहन का हाल बेहाल कर दिया। मेरी बहन अक्सर रोती थी और कुछ वक्त बाद उसने आत्महत्या कर ली और वो चल बसी। उसका मुझे आज भी दुख है, अपनी बहन को खोने का मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। जहां तक इन अंधविश्वासों का सवाल है, ये ज्यादातर गांव और अनपढ़ लोगों के बीच में ही होता है ना सर? ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये सिर्फ हमारी कल्पना है। 1 रुपए के नींबू पर कुछ रंग वंग लगाकर 5 से 10 हजार रुपए में बेचते हैं ये तांत्रिक और उससे खरीदते हैं पढ़े लिखे लोग। अंकल, इंटरव्यू कमाल है।
गुड मॉर्निंग बेटा। हाय डैडी। हाय। जिम खत्म नहीं होगा तुम्हारा? तभी तो इसका नाम जिमर है। इस बार बॉडी बिल्डिंग में स्टेट चैंपियनशिप जीतूंगा प्रिया। पहले ही 3 बार फेल हो चुका है। इस बार दिखा दूंगा ब्रो। ये लो आ गई तुम्हारी मम्मी। कई लोग कहते हैं कि उनके घर में भूत प्रेत रहते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए न जाने वो क्या क्या करते हैं। मैंने प्रार्थना की है आपके घुटने का दर्द चला जाए, आरती लीजिए। अरे इस घुटने के दर्द के लिए डॉक्टर की दवाई लेनी पड़ेगी, तुम्हारे इन दिया बत्ती से कैसे ठीक होगा? तुम भी अजीब बात कर रही हो। आपके घुटनों के दर्द के लिए मैंने भगवान से मन्नत मांगी है, समझते क्यों नहीं? मैंने आज तक कई लोगों का अंधविश्वास दूर किया है, लेकिन तुम्हारी माँ की आँखों पर से अंधविश्वास की पट्टी नहीं उतार पाया और न ही उतार पाऊंगा। आरती मम्मी के लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। हाँ सबकी शांति के लिए। इस कब्रिस्तान में हमारी ही कब्र ना खुद जाए। ओए मैं हूं ना। क्यों? मेरी कब्र पर मिट्टी डालने के लिए? नौटंकी बंद कर और चल। एक बार और सोच ले यार, डर के मारे जान निकली जा रही है। अरे जीजा जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गले में हेडफोन, हाथ में कैमरा और कंधे पे वायर, तुम अभी तक फार्म हाउस देखने क्यों नहीं आए? मैं बिजी था इसीलिए नहीं आ पाया जीजा जी। बिजी थे? ऐसा कौन सा काम कर रहे हो कि बिजी हो गए? अच्छा सुनो, वक्त मिले तो फार्म हाउस आ जाना, तुम्हारी बहन तुम्हें याद कर रही है। ठीक है जी। अपने दोस्त को भी ले आना। जी बाय बाय। चल अब तू आगे चल। ओए डर क्यों रहा है? अबे तूने क्या मुझे अपने घर पे बुलाया है खाना खाने के लिए? ये कब्रिस्तान है। थोड़ी हिम्मत रखेगा ना, माँ लक्ष्मी बरसेंगी तुझ पर। लक्ष्मी माता का तो पता नहीं, लेकिन लगता है भूत जरूर बरसेंगे यहाँ पे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जावे नाम सुना। अरे उल्लू है यार, चल। मुझे लल्लू लगा, मुझे डर लग रहा है यार, मत जा प्लीज। अरे मैं सच कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। भूत ने मारा, तुझे क्या हुआ? पेड़ों पर लटकते हैं। अच्छा हे भगवान, मुझे तो लगा था कि पेड़ों पर सिर्फ फल लटकते हैं, भूत भी लटकते हैं पेड़ों पर। मैं तो खुशी खुशी पार्क में पेड़ों के नीचे घूमता था, और अब तू मुझे कब्रिस्तान में पेड़ों के नीचे घुमा रहा है। ओ भूत राजा, दिख भी जा, 100 नारियल दूंगा तुझे। मिल गया, मिल गया, ओ, 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 मिल गया। ओ, ओ, ये तो कोई पागल है। देख यहाँ कोई भूत भूत नहीं है, चल दूसरे कब्रिस्तान में चलते हैं। अरे ऐसे कितने कब्रिस्तानों में घुमाएगा तू? अगर प्लॉट खरीदना है तो यहीं पर खरीद ले। चलिए देखिए ये बाबा लोग जादू कैसे दिखाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कैसे मैं अपने पेट से शिवलिंग निकालता हूं। ये सिर्फ एक पैंतरा है और कुछ नहीं, लेकिन भोले भाले लोग एक आम इंसान को भगवान समझ बैठते हैं। ये लोग ये सब करने से पहले थोड़ा सा माहौल क्रिएट करते हैं, 2-4 पानी की घूंट पिएंगे ऐसे, फिर होठ पहुंचने के बहाने वो लोग अपनी रुमाल के अंदर एक शिवलिंग ऐसे रख के अपने मुंह के अंदर डाल देंगे इस तरह से, देखिए, फिर दिखाएंगे ऐसे जैसे उन्हें बहुत जोरों की उल्टी आ रही है ऐसे, फिर तीसरे अटेम्प्ट में अपने मुंह के अंदर रखा शिवलिंग वो बाहर निकाल देते हैं, बस यही है। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में भूत प्रेत है तो मुझे बुलाइए, मैं जरूर आऊंगा। मैं आपके घर में आप ही के सामने ये साबित कर दूंगा कि वहाँ कोई साया नहीं है। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। ये राजा रेड्डी बड़ा कमाल का बोलता है। ये जो भी कहते हैं वो होता है क्या? बिल्कुल। तुम ये क्यों पूछ रही हो? बात ये है कि
आधी रात को मुझे किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। रात भर डर लगता है, मुझे लगता है कि इस घर पर भी किसी का साया है। सपना, ये जगह नई है, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, बाय। आप इन तांत्रिकों और बाबाओं के चक्कर में ना फंसे, भूत वूत कुछ नहीं होता। मेमसा, इस घर में कुछ तो है, मुझे बहुत डर लगता है। सच में? मैं काम नहीं करूंगा, आप मुझे पगार भी बहुत कम देती हैं। ये क्या कह रहे हो, काम छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा देती हूँ ना। ठीक है, अब नहीं जाऊंगा मैडम। लग रहा है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। भैया एक चाय और सिगरेट देना। अरे देता हूं ना। क्या बात है, नया हेयर स्टाइल? अभी आज ही बना अंकल। वो पेपर वाला कहां है? वो पेपर देने फार्म हाउस जा रहा था। रास्ते में अचानक पेड़ हिलने लगे। क्या कह रहे हो? वहां भूत है, वहां से वो जैसे तैसे भाग गया। पता है आपको, वो इतना डर गया कि बेचारे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हाँ भाई साहब, वहां पेड़ पर भूत था? हां। कहाँ है ये जगह? वो जो हाईवे पर लेफ्ट साइड पर एक फार्म हाउस है ना। अच्छा, वो फार्म हाउस? हाँ। नाम क्या है? नाम है आनंद भारत। आनंद भारती निवास? हाँ, आनंद भारती निवास। अरे भाई, तुम मेरी जिंदगी में साक्षात भगवान बनकर आए हो, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। भैया सुनो, इसके पैसे भी मैं दूंगा, लिख लेना ठीक है। पहले अपना पैसा तो दे, दे, दे। अरे इतना तो यकीन रखो, पैसे के लिए किसी पे भरोसा नहीं करता। अजीब पागल है भाई, जाने दो, मैं दे दूंगा। एक हफ्ते बाद आऊंगा, सारा हिसाब चुका दूंगा। तेरा ठेला ना खरीद लिया ना तो नाम बदल दूंगा। देखेंगे। नरसिम्हा कहाँ है रे तू? कब्रिस्तान में। क्या हुआ? हम अभी दीदी के घर जा रहे हैं। हे भोले शंकर, कृपा करना घर में भूत ना हो, मैं नंगे पैर अमरनाथ की चढ़ाई करूंगा, मुझे बचा ले स्वामी। इस जन्म में तो ठीक है, लेकिन अगले जन्म में ऐसा दोस्त मत देना स्वामी। अरे मेम साहब, मैंने बर्तन मांज दिए हैं, सारा काम हो गया है, अब मैं जाऊं? कमरे की सफाई कर दूं, उसके बाद जाना। ठीक है मेम साहब। दीदी। दीदी कैसी हो? अच्छा तो अब आ रहे हो, पूजा के वक्त बुलाया था तब क्या कहा था? उसका घर तो जंगल में है, वहाँ तो आदिवासी रहते हैं, मैं भला क्यों जाऊं? मौसी ने बताया था। मैंने ऐसा कब कहा? सीरियल देख देख के वो हर बात को बढ़ा चढ़ा के बताने लगी है। मैंने ऐसा नहीं कहा दीदी, अपने शहर से दूर फार्म हाउस खरीदा है, पोल्यूशन भी नहीं है, एकदम शांति है, मैंने तो ये कहा था। सुबह सुबह यहाँ कैसे, पैसे खत्म हो गए थे? बेइज्जती मत कीजिए जीजाजी, मैं अपनी बहन से मिलने आया और आप है कि छह। बस बस ये ड्रामा बंद कर, घर पे सब ठीक है ना? सब ठीक है जीजाजी। कितने दिनों से कह रही हूँ कि नल की मरम्मत करवा दीजिए, एक काम नहीं करते आप। दीदी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं एक हफ्ता यहीं रहूंगा, नल वल सब ठीक करवा दूंगा, ठीक है? क्या हफ्ता? हाँ। नल ठीक करवाने में हफ्ता लगता है? और भी तो काम होंगे जीजाजी। सुनिए, बाथरूम का गीजर भी तो खराब है ना, उसे भी ठीक करवाना है। ये सब काम जीजाजी को मत कहो। जिया जी आप आराम से पेपर पढ़िए, मैं पूरे हफ्ते यहीं पर हूँ, घर के सारे काम पूरे करवा दूंगा, ठीक है दीदी? ये एक हफ्ते की क्या कहानी है? अरे कुछ नहीं दीदी, घर में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है तो सोचा एक हफ्ता यहीं रुक जाऊं। हाँ ठीक है, इसी बहाने मेरी मदद भी हो जाएगी। सच कहूँ तो इस घर में बहुत डर लगता है, मन नहीं लगता। एक बात बता, तू सच में यहाँ अपनी बहन से मिलने आया है? कैसा लगा नया घर दीदी?
घर तो ठीक है पर हमेशा एक घुटन सी होती है, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्या हुआ दीदी, आप कुछ कह रही थी कि आपको डर लगता है? कुछ तो अजीब है, रात को इस घर में किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और आपको सुनाई देती हैं? हाँ अच्छे से सुनाई देती हैं। तब लगता है जैसे इस घर में कोई भूत हो। आपको लगता है तो हो गई। तुझे खुशी हो रही है? नहीं नहीं टेंशन में हूँ। तेरा टेंशन तो शक्ल पे दिख ही रहा है। अरे क्यों मार रहा है यार, अरे क्यों मार रहा है, चैन से सोने देना। क्यों चिल्ला रहा है? अलार्म क्लॉक है, आवाज नहीं करता, हाथ से उठाता है। अलार्म है क्या? जीजा जी ये क्लॉक ब्राजील से लाए थे। ब्राजील से? जब वक्त ही बुरा चल रहा है तो किसी को बोल के क्या फायदा। हे भोले शंकर, याद है ना मैंने कहा था भूत नहीं हुआ तो मैं अमरनाथ की चढ़ाई करूंगा। सुन सभी सो रहे हैं, ये सही वक्त है, चल भूत को पकड़ते हैं। चलना चल। अगर पता होता कि 1,00,000 के चक्कर में ये सब झेलना पड़ेगा तो मैं कभी उधार लेता ही नहीं, फंस गया इसके चक्कर में आके। ये और इसका भूत बकरा बन गया मैं। ये भूत नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस है, बस एक बार दिख जाए। और कब देगा? वहां जाकर उस यादव की मार खाने से तो अच्छा है कि यहाँ रहकर एक ही बार में मैं मर जाऊं। चल आ रहा हूं ना। उधर उधर कहाँ है, कहाँ पर है? चल 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 चल, कहाँ लेके जा रहा है? वो देख भूत। बचाओ। क्या हुआ? वो देखो। ओ तो वो तुम थी। ओए इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो साहब ये मुझसे फोन में गाने डाउनलोड करवाने आई थी। गाने डाउनलोड करवाने आई थी? हो गए डाउनलोड? करने ही वाला था लेकिन आप आ गए और नेटवर्क चला गया। ए दीदी को बताऊं क्या? नहीं नहीं साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेम साहब को मत बताना। इस गधे ने मुझसे कहा था कि अगर मैं नहीं आई तो ये अपना हाथ काट लेगा। साहब मेरे पति को पता चला तो मुझे मार डालेगा, मुझे माफ कर दो। वाह रे भुक्कड़, वो लगती है आलू, तू लगता है रतालू, ये क्या कॉम्बिनेशन है? साहब आलू का रतालू के साथ पकाओगे ना बहुत मीठा लगता है, आप भी कभी लेके देखो ना। हाँ। हाँ, हाँ। चाह मुझे लगा था रात को भूत पकड़ ही लेंगे पर कुछ हाथ ही नहीं लगा। मुझे लगा था कि मेरी मौत पक्की है, बाल बाल बच गया। सुन मैं दुनिया समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जा जाकर दरवाजा खोल। और मैं ब्रह्मांड समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तू जाके खोल। अरे जा ना दरवाजा खोल। ए जाता हूं मैं, खोलता हूं ना। आप? हम प्रजा चैतन्य वृद्धि से आए हैं, यह है मिस्टर राजा रेड्डी। आप? हम प्रजा चैतन्य वृद्धि से आए हैं, यह है मिस्टर राजा रेड्डी। आप कितनी बार बताएं? कान में हड़ताल लगती है। अरे सर आप, मिलकर बहुत खुशी हुई सर, आइए ना। चलें अंदर। सर आप मेरे फेवरेट हैं, आपके सारे टॉक शोज देखता हूं मैं। सपना हुँ? देखो घर में कौन आया है।
सर आप टीम के साथ आए हैं? किसी ने फोन पर मुझे बताया कि इस घर में भूत है। फोन? सपना? मैंने तो नहीं किया। यहाँ से तो किसी ने नहीं किया। ये G69/3-29 मेडचैली है ना? ये एड्रेस तो यहीं का है, पर फोन किसी ने नहीं किया। यही तो पता बताया था और कॉल लैंडलाइन से आया था। लैंडलाइन से? हाँ। पर घर का फोन तो कब से खराब है? क्या? I'm sorry, कोई रॉन्ग नंबर होगा, आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। चलता हूँ। सर एक मिनट रुकिए। हाँ? माना कि फोन हम में से किसी ने नहीं किया, पर इस घर पर किसी का साया जरूर है। रॉन्ग कॉल बट राइट इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग। आपकी सारी बातों को सुनकर सच कहूं तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। क्या आपको भूत प्रेत में यकीन है? तब तो आपको भूत दिखाई दे सकता है। देखिए ये और कुछ नहीं, हमारे दिमाग की ही पैदाइश है, इल्यूजन्स। हाँ, पर बेड का हिलना और अजीब सी आवाजें क्यों सुनाई देती है मुझे? इन सब की कोई ना कोई तो वजह होगी, हमें वो वजह पता नहीं होती, इसलिए हम मान लेते हैं कि कोई भूत होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने हाल ही में सुना होगा कि किसी पेड़ के अंदर से आवाजें आ रही हैं। अब लोगों को लगा कि वहां किसी शक्ति का निवास है, तो उन्होंने उसकी पूजा शुरू कर दी। लेकिन कुछ वक्त बाद ये पता चला कि जमीन के नीचे किसी नाले में बह रहे पानी की वजह से वो आवाजें आ रही हैं। हो सकता है यहां भी कुछ ऐसा ही हो। जहां से आवाज आती है हमें दिखाइए, अभी पता चल जाएगा। इस वक्त तो नहीं, रात को 12 के बाद सुनाई देती हैं। कोई बात नहीं, हम रात को आ जाएंगे। रुकिए सर। हा? आपको जाके तो वापस ही आना होगा, बेहतर होगा आप रुक जाइए अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। ठीक है। एक मिनट सर, आप ये साबित करने आए हैं कि यहाँ भूत नहीं है, पर सच ये है कि यहाँ भूत हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब यहाँ के भूत बहुत खतरनाक हैं। ए बकवास मत कर, आइए आप घर देख लीजिए। चलो ए, इन्हें बाहर ले जा। क्यों, लड़की को तू घुमाएगा? चुप कर बेवकूफ। आइए ना सर। दीदी आइए ना। आइए ना, नाम कीजिए, मैं इनको गेस्ट हाउस दिखा देता हूँ। आप जाइए सर, आइए। आप आइए, उसको समझा देना। अरे डोले छोले बनाए हैं, जिम जाते हो क्या? तो हम चलें? आज यहीं रुकना होगा, मुझे कल रिकॉर्ड सबमिट करना है। कल करना है ना, आज हमारे साथ यहीं रुक जाओ। ओके आइए चलें। अरे बाप रे, इतना सामान क्यों उठाया हुआ है? मैंने कहा सामान उठाया है? हाथ में फोन, लैपटॉप, बैग मुझे दे दीजिए। इट्स ओके। लाइए मुझे दीजिए। इट्स ओके। अरे वाह, आप तो बहुत महान है मैम, आजकल तो लोग अपना काम दूसरों को देकर खुश है और आप मुझे मना कर रही है, सच में आप बहुत महान है। तुम थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद कर सकते हो? एक तो तारीफ करो, ऊपर से बातें सुनो, नहीं करता। ये देखिए हमारा गेस्ट रूम। चलो निकलो अब, हम चले जाएंगे। सुनिए, आपको कुछ भी चाहिए हो किसी से कहने की जरूरत नहीं, मुझे बता दीजिएगा, मैं राजू हूँ। हमें नाम जानकर क्या करना है? ताक लिया, बस ताकते ही रहना, मुझे उन नमूनों के बीच फंसाकर खुद लड़की लेकर निकल गया। ए नरसु, हाँ वो इतनी सुंदर क्यों है बे? जब मैं उसे छोड़कर वापस आ रहा था तो मुझे लगा किसने मुझे जोर से पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा, क्या खुशबू थी यार। क्या बोला? खुशबू, ऐसा लगा जैसे वादियों में पहुंच गया। सब भाग जाएंगे जब रात भर भूत ढूंढते हुए भटक रहा होगा। अरे यार वो लड़की। बेटा सुन, मैं जा रहा हूँ सोने, तू और वो लड़की दोनों जाओ भाड़ में, मैं तो चला। कमाल है यार। ये लो कैच। चलो बेटा, चलो हम दोनों खेलते हैं। हाँ दो, लाओ बॉल मुझे दो। जाओ तुम लेके आओ। कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ। चलो अब इसको पकड़ के दिखाओ। ए अरे पकड़ के दिखाओ।
बले 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 बले। सुनो, मैं चेयर लेके वहां बैठ जाऊं? मतलब तुम्हें यहाँ वहाँ आने में तकलीफ हो रही होगी ना? क्या क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। कुछ और उठाना हो तो उठा लो। नहीं 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 नहीं, चल भाग यहाँ से। उल्लू। उदय बाबू, आपका घर तो बहुत अच्छा है, जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। मुझे तो लगता है आप बेकारी भूत भूत से डर रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ, पर ये मानती कहाँ है? ये सच कह रहे हैं? ऐसी बात नहीं है सर, दरअसल यहाँ पेपर वाला सब्जी वाला कोई नहीं आता। और ये हमारे घर का नौकर है, इसने भी रात को परछाइयाँ देखी हैं। क्या देखा है तुमने, बताओगे? रात को देखो तो परछाई घूमती है, पर होता कोई नहीं है। तुमने परछाई घूमती देखी, फिर भी यहाँ से गए क्यों नहीं? मैंने इसका पगार बढ़ाया तब जाकर ये यहाँ रुका है। लीजिए, आपने इसके पैसे बढ़ा दिए, अब ये रोज रोज भूत का बहाना बनाएगा, हर हफ्ते इंक्रीमेंट करवाएगा। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ सर, मेम साहब के साथ 3 सालों से काम कर रहा हूँ। ए, जाओ अपना काम करो। सुन खरबूजे, ये जूस मुझे दे और तू जा यहाँ से। चलो जाओ, मारो चांस, ऑल द बेस्ट। समझ गया ना? चलेगा? चल जाए अभी। अरे ये तो अजीब पागल बॉडीगार्ड लग रहा है, गमला उठाकर बॉडी बना रहा है ये। चल चल, जूस पिलाओ, लड़की पटाओ। प्रिया मैम, मैंने आपके लिए जूस बनाया अपने हाथों से। जूस है? हमने नहीं मंगवाया। इससे पहले किसी होटल में काम करते थे क्या? मंगवाने पर तो नौकर लाते हैं, अगर कोई दिल से लाए तो। समझ लो इंसान वैला है। आपको मेरा जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए, पर कम से कम प्रिया हंसी तो मैं खुश हूँ। प्रिया लो जूस पी लो। नहीं चाहिए। प्लीज पी लो। ओह गॉड, ऐसे काम नहीं बनने वाला। मैं बताता हूँ क्या करना है, तू वहां जाके बैठ जा। पर क्यों? तू जाना, मैं संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, चल जा। प्रिया मैम, एक आपकी टीम एक हमारी टीम, देखते हैं कौन जीतेगा, और हारने वाले जीतने वालों को पार्टी देंगे, यहाँ पर नहीं होटल में। ओके? अच्छा, या 4 लोग कैरम खेलते हैं, चेस 2 लोग खेलते हैं। ओहो, हो गई बेइज्जती। देखो मिस्टर नरसिम्हा। यस मिस्टर राजू। थोड़ा आगे आएंगे आप, बताइए क्या चाहिए आपको। चेस कितने लोग खेलते हैं, कितने लोग खेलते हैं, कितने लोग खेलते हैं, कितने लोग खेलते हैं। बेवकूफ कहीं का, तेरा कुछ नहीं हो सकता। जैसे इसका तो बहुत कुछ हो गया है। हेलो बिंदु मैम, हेलो मैडम। क्या किया इसके साथ भैया? क्या मिला तूने इसमें, बता क्या मिला? अरे बॉडी बिल्डर भैया, मैंने कुछ नहीं मिलाया। बोल क्या मिला इसमें? आया भी नहीं था भैया, जूस तो राजू लाया था, मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दो भैया। आपके डोलों की कसम, आपके शोलों की कसम, चाहो तो मैं आपको पहलवानी के लिए 2 बड़े बड़े कुंडे लाके दूंगा। कैसी लगी एक्टिंग? मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी मस्ती कर लूं। हाय वारी जाऊं तो क्या ये एक्टिंग थी? ये भैया तो मुझे मार ही डालते, अब तो समझ में आ गया ना कि ये एक्टिंग थी। हमें जल्द से जल्द साबित करना होगा कि यहाँ कोई भूत नहीं, इनका डर दूर करना होगा। डैड, बेटा तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। लोगों की इस तरह मदद करके जो खुशी मिलती है वो पब में पैसे उड़ाकर कहाँ मिलती है डैड। ये बिल्कुल आप पर गई है राजा रेड्डी जी। प्रिया, यूएस कब जा रही हो? नेक्स्ट मंथ तक वीजा कंफर्म हो जाएगा अंकल। अच्छा अच्छा, चलो आप चलें। अरे ए, रुकना, अरे मैं डायपर पहन के आता हूँ, मेरा जूजू निकल जाता है। जल्दी आना। हाँ अभी आया। बच गया। जान बचे। भले ही वो भूत को ढूंढ ले पर मुझे नहीं ढूंढ सकता। गुड नाइट। Ah!
अम्मा। डोले चोले वाला ए जिमरी। अरे इस वक्त कौन जिम करता है यार, मसल से बढ़ाता रहेगा, थोड़ा दिमाग तो बढ़ा। ये सोफा टीवी के साथ कोई जिम करता है क्या? मैं बोल रहा हूँ और तुझे जिम की पड़ी है तेरी तो। अगर कोई मर जाए तो भी तू जिम ही करता रहेगा। जब भी मरेगा तो तेरी कब्र पर मैं डंबल चढ़ाऊंगा। सच कह रही हूँ, 12 बजे के बाद अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं। रोज इस टाइम पे तो आवाजें आती हैं सर। मैंने कहा था ना ये सिर्फ वहम है। देखा आपने, 1 बज रहा है पर कितनी बार घंटी बज रही है। डर के मारे आपको लग रहा होगा कि ये भी भूती कर रहा है। अरे घबराइए मत, क्या पता कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो। पहले अपने अंदर के डर को भगाइए, फिर सब ठीक होगा। लगता है ऊपर से आ रही है। अंदर जाकर देखिए सर, बेड जरूर हिल रहा होगा। चल चल चल। मजा यार। देखा आपने, ये मेरा वहम नहीं है। सर मुझे लगता है आवाज ऊपर से आ रही है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। चलो आओ। उस कोने में देखो। डैडी, मिल गया भूत। कहाँ है बेटा, तुमने कहा तुम्हें भूत दिख गया। भूत यहाँ है डैड। यहाँ पर ग्रामोफोन रखा है और ठीक इसके सामने दरवाजे में होल है। हवा की आवाज, बिल्ली की आवाज, किसी के कदमों की आवाज इस होल में से होकर माइक से टकराकर पूरे घर में गूंजने लगती है। That's the reason. अगर ऐसा है तो आवाजें सुबह क्यों नहीं सुनाई देती, उस वक्त क्यों नहीं आती? हाँ, क्योंकि आप सुबह दरवाजा खोल देती हैं। दरवाजा खुलने के बाद ये होल ग्रामोफोन से दूर हो जाता है, इसलिए आवाज नहीं आती, ना हवा ना आवाज। इस घर से भूत को भगाने के लिए ये होल बंद करके ग्रामोफोन को यहाँ से हटाना होगा। That's it. Good.
मेरी बात पे तो इसे भरोसा ही नहीं है, अब तो यकीन आ गया ना। ए, इस डब्बे में जितनी घटिया घटिया आवाजें हैं सब डिलीट कर दे। अरे कुछ अच्छे गाने डालकर सुन यार, लाइफ में शांति तो रहेगी। भूत भूत लगा रखा है। तो फुटबॉल क्यों चल रही थी? उसका भी पता चल जाएगा। चलो इस कमरे की सारी चीजों को ध्यान से देखो। सोफा, इसके अंदर स्प्रिंग्स हैं, और ये चेयर, इसमें इलास्टिक, और ये वाली, इसके अंदर भी स्प्रिंग्स। इस कमरे की हर चीज में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। अगर आप एक बार बॉल लेकर इसे फेंकेंगे तो स्प्रिंग्स की वजह से ये बॉल एक चीज से दूसरी चीज से टकराकर बार बार उछलती रहती है। असल वजह ये है, भूत नहीं। अब समझे? क्यों, क्या हुआ? वहम दूर हुआ कि नहीं? नहीं, जरा एक बार वहां देखिए सर, उन दो पेड़ों के बीच में। वाओ, इंटरेस्टिंग। अरे दीदी, अब बता रही हो आप? ए, अच्छा प्रिया, क्या तुम इसकी वजह बता सकती हो? वो असल में क्या है वो बताओगी? पता नहीं। नहीं, बहुत ही सिंपल है बेटा। दो पेड़ों की छाया एक दूसरे में मिलकर एक अजीबोगरीब आकार बना लेती है जो हमारी समझ में नहीं आता। आप सबने तो देखा ही होगा, जब हम ऊपर देखते हैं तब बादल में हमें खरगोश और शेर के आकार दिखाई देते हैं। तो जैसे वहाँ कोई खरगोश या शेर नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक छाया है। Have a look. Michael Jackson. और ये देखिए, यहाँ तो कोई भूत है ही नहीं। hey, ये क्या बोल रहे हो? तुम चाहते हो कि भूत होने चाहिए? हम यहाँ साबित कर रहे हैं कि भूत नहीं होते। तुम चाहते क्या हो? वही मैं बताता हूँ सर, एक प्रोफेसर ने एक प्रोग्राम शुरू किया है साइंस वर्सेस घोस्ट, और जो ये साबित करेगा कि भूत होते हैं उसे 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, और तब से ये कब्रिस्तान के चक्कर लगा रहा है और मुझे भी फंसा कर रखा है। अब समझा। तो ये बात है, जब तुमने कहा तुम काम कर रहे हो, मुझे लगा कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो, तो ये सब चल रहा था तुम्हारा। क्यों फालतू की हरकतें करते हो? जीजा जी, भूत होते हैं मुझे पता है, मैं साबित करूंगा कि भूत होते हैं और 5 करोड़ रुपए कमाऊंगा, और आपका बैंक लोन भी मैं चुकाऊंगा, ये वादा है मेरा। अच्छा, वाह, क्या कमाल का टारगेट है। अगर तुमने साबित कर दिया कि भूत होते हैं तो तुम्हें 5 लाख दूंगी। अरे सिर्फ 5 लाख ही क्यों, अगर साबित हो गया तो 10 लाख रुपए मेरी तरफ से भी। 5 करोड़ के साथ 15 लाख भी मेरे होंगे, ये भी सुन लो सब। अरे चल चल निकल, बकवास मत कर, कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा इसका। आइए सर। अब चले सो जाए, या अभी इज्जत की धजियां उड़ानी बाकी है? लड़कियों के सामने इज्जत उतरवा दी मैंने। हाँ, जैसे नवाबों के घर पैदा हुआ ना तू, एक मारूंगा अकल ठिकाने आ जाएगी। ए, बेड क्यों हिल रहा था ये अभी तक नहीं बताया उन्होंने? बेड को जो चीज हिला रही है वो पक्का भूत है। हाँ, तो तेरा मतलब बेड को भूत हिला रहा है? 100% भूत ही है। हाय हाय, गुड मॉर्निंग। तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मौसम बहुत अच्छा। देखो मैंने फोटो खींची, कितनी सुंदर लग रही हो ना तुम, देखो ना, क्या तुम्हें फोटो अच्छी नहीं लगी? अरे वाह, इससे पहले स्टूडियो में काम करते थे? नहीं तो। चलो प्रिया, रुको तो। प्रिया प्रिया, अच्छा तुम्हारा बर्थडे क्या है? पूछ तो ऐसे रहो जैसे कि बर्थडे में कार देने वाले हो। अच्छा जोक था, तुम जोक की दुकान क्यों नहीं खोल लेती हो? प्रिया एक मिनट, बात तो सुनो। ये सरदर्द पीछे पड़ गया है। ओ गॉड। प्रिया सुनो ना, मुझे अपना फोन नंबर तो दे दो। लिख लो। एक मिनट। 9848485। प्रिया प्रिया, ये तुमने आधा ही नंबर दिया है। आधा नंबर डैड से ले लो। वाह, खूबसूरती के साथ साथ सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है तुम्हारा। थैंक यू। बाकी के 5 डिजिट्स? यही 5 डिजिट्स दोबारा लगा लो, हो जाएंगे 10। इसकी तो
ये जिम्मर कहाँ है? कहाँ गायब हो गया? सुबह से ही गायब है वो तो। कल शाम से बोल रहा था घर जाना है। शायद चला गया होगा। वो कभी नहीं सुधरने वाला। हमेशा बिना बताए चला जाता है। अब सही है। तुम्हें खाना बनाना आता है? खाना आता है। ये आवाज कैसी आ रही है? और ये धूल? सर पास ही में मेट्रो ट्रेन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो अक्सर उसी की आवाज आती रहती है। बस यही वजह है। मैं समझा नहीं। इसी वजह से बेड हिल रहा था। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि जब मेट्रो का काम चल रहा होता है ना तो मजदूर सामान यहाँ वहाँ गिराते रहते हैं, उससे जमीन में कंपन होती है, बस उसी वजह से बेड हिल जाता है। बेड हिलता नहीं है सर, लगता है कोई लात मार रहा हो। हाँ हाँ, मैं आगे वही कहने वाला था। लगता है जब इस घर की नींव खोदी गई थी तो उस वक्त पत्थरों को अच्छी तरह से बिछाया नहीं गया था। उनके बीच गैप्स रह गए होंगे। बस यही वजह है कि वो छोटे छोटे पत्थर अक्सर हिलते रहते हैं, उससे ये जमीन हिल जाती है। बस फिर क्या है, वो बेड भी हिलने लगता है। पर आपको उस वक्त एहसास होता है कि बेड के नीचे से कोई लात मार रहा है। पक्का ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल पक्का। कुछ वक्त बाद जमीन नीचे बैठ जाएगी और उसके बाद एक दरार दिखाई देने लगेगी, मतलब एक छोटा गड्ढा बनेगा। तो बस यही तो वजह है। तो सारी समस्याएं हल हो गईं। स्प्रिंग्स नहीं है तो फुटबॉल नहीं उछलेगी, और होल को भी बंद कर दिया तो आवाज नहीं आएगी, और वो लाश लाश नहीं एक छाया है। देखो बेड तब तक हिलता रहेगा जब तक मेट्रो का काम पूरा नहीं हो जाता। तो बोलिए, अब तो डर नहीं लगेगा? तो हम जा सकते हैं? सर आप गलत बोल रहे हैं सर। रेडी सर, कंस्ट्रक्शन शुरू हुए अभी 10 ही दिन हुए हैं, पर वो बेड पूरे 1 महीने से हिल रहा है। तो बेड के हिलने का कंस्ट्रक्शन के काम से कोई लेना देना नहीं। आपने कहा था कि वहां जो लाश दिख रही है वो परछाइयां हैं। परछाइयां बनने के लिए कोई आधार तो होना चाहिए, और बिना आधार के परछाई कहां से बनेगी? और वो लाश हमेशा दिखाई देती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर परछाई पेड़ों की वजह से बन रही है तो वो इतनी साफ क्यों दिखती है? लटकी हुई रस्सी, टांगे और हाथ, वो तो धुंधले दिखने चाहिए ना। शायद आपको ये बात नहीं पता है कि कोई असल में उस पेड़ पर लटक कर मरा था, और उसी की आत्मा उस पेड़ पर लटकी हुई दिखती है। ये क्या बात कर रहे हो? भूत प्रेत कुछ नहीं होता। हो सकता है इसके पीछे जो वजह मैंने बताई वो ना हो, कोई और हो। लगता है ये पागल हो गया, जो भूत इसके दिमाग में बैठ गया। चलो मैं मानता हूं कि तुमने जो सवाल किया है वो बहुत ही वाजिब है। हमने उस फुटबॉल के उछलने और आवाजों के आने की भी वजह बताई थी ना। ठीक वैसे ही मैं ये पता लगा लूंगा कि वो छाया क्यों दिख रही है और वो बेड क्यों हिल रहा है, और उसके बाद ही हम इस घर से जाएंगे, ठीक है ना? हाँ। अंधविश्वास की हद है। मान गई, दिमाग तो है तुम में। है ना? थैंक यू। पीतमपुरा सुन, एक इस दीवार पर टांग दो और दूसरी वहां। हाँ 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 ठीक है। अरे वो नहीं, वो उतार और ये वाली लगा। हाँ अच्छा। अब ओए, वो टेढ़ी क्यों लगाई है? सीधी कर उसे। ओए दीदी ने तुझे पानी डालने के लिए कहा था ना, यहाँ क्या कर रहा है तू? चल पौधे सूख जाएंगे बाहर। छिछोरा कहीं का। चलो एक काम करते हैं, इस बेड को सरका के देखते हैं। उससे क्या होगा? उससे पता चलेगा कि ये बेड जमीन के हिलने से ही हिल रहा है या इस बेड के अंदर ही कोई दिक्कत है, समझ में आ जाएगा। You are right, sir. सुनो हीरो, जरा इस बेड को सरकाओगे? ठीक है। गिरी, ये सब हम देख लेंगे, तुम जाकर पता लगाओ कि उस पेड़ पर वो छाया क्यों दिखाई दे रही है। ठीक है सर, जाओ।
वाइब्रेशन तो नहीं है और बेड का भी हिलना बंद हो गया है। ओके, एक बार फिर बेड को उसी जगह रखकर देखें। बिल्कुल, जरा करके देखो। खींचो। क्या हो सकता है? पता नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इस जगह और इस बेड के बीच में कोई संबंध तो जरूर है। हाँ, कुछ तो है। ये क्या सर, आवाजें फिर से आने लगी। हमने वो होल भी बंद कर दिया और ग्रामोफोन भी हटा दिया। स्प्रिंग्स भी तो हमने हटा दी थी ना। सर पक्का ये भूत ही कर रहा है। शट अप, चुप रहो, बाहर जाकर देखते हैं। चलिए चलिए। जिमर का टैब यहां कैसे? हाँ?
प्रिया, प्रिया, प्रिया। हाँ, हाँ अंकल बोलिए। यहाँ अकेली बैठी क्या सोच रही हो? गोपाल राव के यहाँ लंच पर जाना है, डैडी नहीं जा रहे, हम दोनों को जाना पड़ेगा, चलो चले। नहीं अंकल, आप जाइए। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। चलता हूँ बेटा। नहीं, मत जाइए। अरे अभी तो कहा था जाओ। आप यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जैसा तुम कहो। अंकल, आप तो लंच के लिए बाहर जाने वाले थे, क्या हुआ? तुमने अभी तो मना किया था ना। मैंने मना किया? और गिरी अंकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके घर पर कोई जरूरी काम आ गया था तो कल रात ही वापस चला गया। और ये तुम्हें आधी रात को बच्चों की तरह झूला झूलने की क्या सूझी? मैं झूला झूल रही थी? लगता है बहुत थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो, फ्रेश फील करोगी। टेक केयर। हेलो। हाय प्रिया, मैं रात तक पहुंच जाऊंगा। कहाँ? ए मजाक मत करो, तुमने ही तो फोन करके कहा था कि जल्दी पहुंच जाओ। मैंने फोन किया था? तुम आ जाओ जल्दी मुझसे, और कुछ मत पूछना, कल रात तक तुम यहाँ पहुंच जाओ कुछ भी करके। सर, ये तो इस घर में रहना ही नहीं चाहती थी, आपने समझाया इसलिए अब राजी हो गई है। नमस्ते स्वामी जी, आइए। सब ठीक है ना बेटी? आइए स्वामी जी, बैठ। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, बैठो। आपकी काशी की यात्रा कैसी रही स्वामी जी? अच्छा रहा बेटी, मैं काशी से आते समय तुम्हारे लिए गंगा जल लेकर आया हूँ, और ये पूजा का कुमकुम और काशी का धागा। धन्यवाद स्वामी जी, हम आपको घर की पूजा में निमंत्रण देना चाहते थे, पर पता चला कि आप काशी की यात्रा के लिए निकल गए हैं। परमेश्वर हर हर। हे ईश्वर, इस घर में भूत है ना बेटा? आप सच कह रहे हैं या कुछ तो गड़बड़ जरूर है? ये लोग प्रजा चैतन्य वर्धि से आए हैं, ये समझाने कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अब भूत को यहाँ से भगाने में कम से कम 1,00,000 के करीब खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना स्वामी? मैं सिर्फ भगवान की पूजा करता हूँ बेटी, काले जादू के बारे में मैं नहीं जानता, ऐसी शक्तियां मुझ में नहीं है बेटी। ओ, तो फिर आपका कोई गुरु होगा जो विंध्य पर्वत या हिमालय पर जाकर पूजा करेगा, जिसके लिए लगभग 5,00,000 का खर्चा करना पड़ेगा। सही कहा ना स्वामी? हे परमेश्वर, तो आपके मुताबिक इस घर में भूत है? हाँ है, और उसने अपना काम शुरू कर दिया है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो है कहाँ? क्या आपने देखा उसे? हमें तो नहीं दिखाई दिया। भूत को देखने की ताकत उसी के अंदर है, जिसकी मन की आंखें खुली होती हैं। तुम नहीं देख सकते। माना कि हम नहीं देख सकते, साइंस भी नहीं देख सकता,
साइंस के पास सिर्फ 5 इंद्रियों का ज्ञान है और इन इंद्रियों का आधार है हमारी आत्मा, और इस आधार का ज्ञान अभी तक आपकी साइंस के पास नहीं है। जी बहुत हो गया स्वामी जी। परमाणुओं को टूटते हुए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डिवाइड होते हुए, उनकी हर मूवमेंट देख सकती है साइंस। हमें यहाँ बैठे बैठे पता चल जाता है कि मार्स पर पानी है या नहीं, जबकि आप कह रहे हैं कि साइंस को पता ही नहीं चल सकता कि भूत है। ये मन की आंखें और तीसरी आंख की कहानियां क्यों लोगों को सुनाते रहते हैं आप? इस घर से कहीं दूर चली जाओ, इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए। तुम इस घर में मत रहो। मैं तो रह सकती हूँ। बोलो ना, मैं यही रहूं? तुम जाना भी चाहो तो भी नहीं जा सकती। ये सब यहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? इनकी जान जा सकती है। भाई, एक कुर्सी दिखाइए और कहिए कि अगर उस पर बैठ गए तो तुम्हारी जान जा सकती है, तो कोई भी इंसान उस पर नहीं बैठेगा। बैठने का नतीजा क्या होगा ये चेक करने के बजाय वो पास वाली कुर्सी पर बैठेगा। आपका तो धंधा ही है तारों और भूत प्रेत का सहारा लेकर लोगों के मन में डर बिठा देना। आप में और चोरों में ज्यादा फर्क नहीं है स्वामी जी। वो हथियार का डर दिखाकर लूटते हैं और आप भूतों का डर दिखाकर लूटते हैं, जबकि भूत होते ही नहीं। बड़े दुख की बात है कि चोरों को सजा मिल जाती है और आप जैसों की पूजा होती है। प्लीज ऐसी बातें मत करिए, ये हमारी भलाई ही चाहते हैं। वो ऐसा नहीं कहेंगे तो आप यकीन कैसे करोगे? इनके झूठ को आप सच कैसे समझोगे? चलता हूं। स्वामी जी बुरा मत मानिएगा, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। इनकी कोई गलती नहीं, इनका कहना सही है। ये अपनी समझ से कह रहे हैं और मैं अपने ज्ञान से। बस सब खुश रहने चाहिए। अच्छा चलता हूँ। बेटी, क्या तुम्हें कभी कोई परछाई दिखाई दी है या कभी डर महसूस हुआ है? क्यों? मेरी एक बात मानो, कल सुबह तक सिर्फ एक दिन के लिए भोले शंकर के मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप करो। वो क्यों? मैं जो भी कहूंगा तुम समझोगी नहीं। अच्छा एक काम करोगी मेरे कहने पर? ये रुद्राक्ष अपने हाथ में रखकर, अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर, शीशे के सामने बैठकर अपनी परछाई को 5 मिनट तक बिना पलक झपकते देखती रहना। क्या दिखेगा? देखोगी तो पता चल जाएगा। चलता हूं। स्वामी जी सुनिए। स्वामी जी पक्का इस घर के अंदर भूत है ना? हाँ बेटा, इस घर में भूत है। भूत होते हैं ना स्वामी जी? हाँ बेटा। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो मच स्वामी जी। हाँ बेटा, इस घर में भूत है। हाँ बेटा, अगर मुझे 5 करोड़ मिले साहब जी, चाय पियोगे? इतना लुटे पुटे क्यों दिख रहे हो? अभी तक तो कब्रिस्तान में जाने के लिए वेटिंग लिस्ट में था, लेकिन अब कंफर्म हो गया। तू जा यार। ए सिमा, तू क्या करेगा अगर अचानक से तुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए? ए बताना। अरे बताना। मैं चिल्ला रहा हूँ कि बाल जल गए और तू उस पर तेल लगाने की बात कर रहा है। अरे बताना। सबसे पहले मैं इस घर से भागूंगा, फिर 1 लाख उस यादव को दूंगा और तेरी तो शक्ल जिंदगी भर नहीं देखूंगा। 1 लाख यादव को देगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद बचे हुए पैसे का क्या करेगा? उसके बाद ना, ए अगर सच में 1 करोड़ मिल गए ना, तो माँ के लिए एक बड़ी सी किराने की दुकान खोलूंगा। हा? और अपने भाई के लिए मंदिर के बाहर इडली का ठेला लगाऊंगा। हा? और सेकंड हैंड कार खरीद के पूरे शहर में घूमूंगा। ओए, तुझे 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं? हा? लोग अपना घर बंगला गाड़ी बनाने की बात करते हैं, पर तू तो भिखारी रहेगा। अगर मुझे 5 करोड़ मिले ना, ये ले लिख। चल बोल। SUV कार 30 लाख, डुप्लेक्स हाउस 1 करोड़, जीजा जी के बैंक लोन के 50 लाख और तेरे 50 लाख, टोटल कितना हुआ? 2 करोड़ 30 लाख। बाकी के 2 करोड़ 70 लाख का क्या करेंगे? क्या किया जाए? हाँ, बैंकॉक जाके मसाज करवाएंगे। उस ट्रैवल एजेंट मूर्ति को फोन करके पूछ। ले फोन कर।
अकाउंट बैलेंस बहुत कम है, 10 रुपए। क्या कह रहा है सत्यमूर्ति? एक दबाएं, योर अकाउंट बैलेंस। बैंकॉक जाने से पहले ना एक काम कर, इसमें बैलेंस डलवा दे 10 का, उसके बाद जाना। बड़ा आया बैंकॉक जाने वाला। प्रिया मुझे रिकॉर्ड सबमिट करने हैं तो मैं जा रही हूँ। आंटी। हाँ बोलो बेटा। जिमर का फोन नहीं लग रहा, उसे फोन दीजिए, कुछ बात करनी है। वो तुम्हारे साथ नहीं है? घर पर तो नहीं आया? क्या वो घर नहीं आया? नहीं बेटा। ठीक है आंटी। अच्छा प्रिया, जिमर घर वापस नहीं गया और यहाँ भी नहीं है। गिरी अंकल की बीवी ने भी फोन करके कहा कि उनसे बात करवा दो। गिरी अंकल सुबह से गायब है, वो घर भी नहीं पहुँचे और ना ही यहाँ है, और जिमर कल से गायब है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे जल्दी जाकर पापा को बताना चाहिए, लगता है यही बेहतर रहेगा। मधु, मधु। सर ये मधु कौन है? अरे हमारी प्रिया। तो आप मधु क्यों बोल रहे हैं? उसका पूरा नाम मधु प्रिया है, कभी हम उसे मधु कभी उसे प्रिया बुलाते हैं। मधु, 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 प्रिया। हाँ? गाने सुन रही हो क्या? डैडी बुला रहे हैं। ओके। तुमने बताया नहीं तुम्हारा पूरा नाम मधु प्रिया है? प्रिया अच्छा था, मधु भी अच्छा है, पर मधु प्रिया तो लाजवाब है। बिंदु कहाँ है? बिंदु, उसने कहा था कि रिकॉर्ड सबमिट करना है, शायद चली गई होगी। ए, ये कर क्या रहे हो? पागल हो गया। यहाँ सिगरेट क्यों पी रहे हो? अकल नहीं है तुम्हें? प्रिया, 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 तुम्हारे अंदर भूत है प्रिया। यहाँ क्या कर रहा है? तू भी खत्म होगा, दफा हो जा। दीदी, दीदी, प्रिया के अंदर भूत है। बकवास मत कर, लगता है तेरा दिमाग खराब है। सच कह रहा हूँ दीदी, प्रिया के अंदर भूत है। चुप कर। अच्छा मजाक है। सर मैं जोक नहीं कर रहा हूँ। काफी दिनों बाद हंसी आई है मुझे। सर मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे चुप करो,
पहले वो स्वामी आकर बकवास कर गया कि इस घर में भूत है, और उसकी बातों में आकर अब तुम कह रहे हो कि भूत मेरी बेटी के अंदर है। कुछ रुपयों के लिए तुम इतना गिर सकते हो? छी, मैं सच कह रहा हूं। तुझे पता है वो मेरे कहने पर यहाँ रुके हैं। आप चल कर देखिए। मुझे कुछ नहीं देखना, एक बार वो चले जाए उसके बाद जो मन में आए करते रहना। अब जाओ। एक बार मैंने कहा जाओ। आपको सच लगाना, आपको सच लगाना दीदी, आपको भी सच लगाना। अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। क्या अप्रैल फूल? क्या अप्रैल फूल, अप्रैल फूल? ये जुलाई है, जुलाई 26। अच्छा, जुलाई 26 है? सच में पागल हो गया तो मेरे रूम में 1 अप्रैल क्यों दिख रहा है? अच्छा, जुलाई 26। ए, 26 है? समझाओ इसे, पागल हो गया पूरा। अरे यार, कोई यकीन ही नहीं कर रहा कि प्रिया के अंदर भूत है। मेरे अलावा कोई तुझ पर यकीन नहीं करेगा रे। थैंक्स यार। और आज के बाद मैं भी तुझ पर यकीन नहीं करूंगा। थू! प्रिया के अंदर भूत है, बड़ा आया। अच्छा है ना ये फोटो? मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है बेटी। ओम नमः शिवाय। हेलो। हेलो स्वामी जी, स्वामी जी मैं राजू बोल रहा हूँ। बोलो बेटा। प्रिया, प्रिया में भूत है। जानता हूँ बेटा। आप कुछ कीजिए ना स्वामी जी। मुझ में भूत को रोकने की शक्ति नहीं है बेटा। शक्ति नहीं है तो कोई रास्ता तो होगा ना स्वामी जी? अगर पता होता तो जरूर बताता, पर अब बहुत देर हो चुकी है। वो भूत उसकी जान लिए बिना उसके शरीर से नहीं जाएगा। अगर काशी धागा उसके हाथ पर बांधूं तो फायदा होगा ना स्वामी जी? ये तो बस इंसान का भगवान शिव पर विश्वास है, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। हे भोले शंकर, प्रिया की रक्षा करना। ए, ये सब क्या कर रहा है तू? प्रिया के ऊपर भूत का साया है और मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो। ए, बस कर यार, और कितना झूठ बोलेगा, कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोल यार। मैं सच बोल रहा हूँ यार। अच्छा, सच बोल रहा है, तो हम यहाँ भूत के साथ क्या कर रहे हैं? चलना चलते हैं। हमें उसे हर हाल में बचाना होगा। मैं कैसे सबको यकीन दिलाऊं कि प्रिया के अंदर भूत है? देख, जब स्वामी जी ने कहा इस घर के अंदर भूत है तो मैं बड़ा खुश था कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, पर अब बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि भूत प्रिया के अंदर है। तो मिस्टर राजू, तुम पैसों के लिए कुछ भी करोगे? जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें ये कहते हुए कि मेरे अंदर भूत है? प्रिया, पैसों के लिए इतना गिर जाओगे? प्रिया, माना मैं मौके का फायदा उठाता हूँ, पर मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ प्रिया। वाह, डायलॉग बाजी में तो नंबर वन हो। प्रिया एक बात सुनो, प्रिया एक मिनट, ये काशी धागा बांध लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या बकवास है ये काशी धागा, पागल। प्रिया 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 प्रिया, एक मिनट एक मिनट, इसे काशी धागा मत समझो, फ्रेंडशिप बैंड समझ कर बांध लो, ठीक है? तुझे मरने का बहुत शौक है क्या? दफा हो जा यहाँ से, वरना मारा जाएगा। निकल जा। हेलो। हाँ, ये तुम्हारे दोस्त ने काशी धागे की क्या रट लगाई हुई है, पागल है क्या? इससे कहो कि ये बचपना छोड़ दे। बेवकूफ। मम्मी, हाय बेटा। हाय डैडी।
ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सर, प्रिया आपको मारने वाली थी सर। क्या? कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो तुम? मतलब प्रिया के अंदर का भूत आपको मारने वाला था सर। मैं और डैडी को मारने वाली थी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ सर? हमने चिल्लाने की आवाज सुनी, प्रिया ने मुझ पर हमला किया, ये कह रहा है ये। जी जी, सच में मैंने देखा, प्रिया ने मारने वाली थी। दीदी, मैंने स्वामी जी को अभी भी फोन किया था, उन्होंने कहा कि प्रिया में। ओए बाबू, अब क्या चाहते हैं, हम चले जाएं यहां से? क्या बकवास है ये सब? ए, चलो बाहर निकलो। जी जी, मैं सच कह रहा हूँ। शट योर ब्लडी माउथ। सुना नहीं, बाहर निकलो। एक मिनट रुकिए। जी जी, याद है सुबह जब मैंने काशी धागा बांधा था तो मैं भूत आया था? एक मिनट रुकिए, मैं अभी दिखाता हूँ। दीदी, जीजा जी, सर अब देखिए, काशी धागा बांधते ही कैसे भूत आता है। दीदी देखना, सुबह बांधते ही भूत आ गया था इसके अंदर। कुछ नहीं हो अब सर, आप नरसिम्हा से पूछ लीजिए, उसने भी देखा था सर, धागा बांधते ही भूत आया था। हद है यार, बस करो अब, चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो। जी जी, जी चलो निकलो, जाओ। सॉरी सर, ये थोड़ा पागल हो गया है, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मुझे लगता है ये पूरी तरह से पागल हो चुका है, जल्द ही इसे किसी दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाओ। ए, गए नहीं, अब भी यही हो, मानोगे नहीं? प्रिया मेरे साथ चलो ना, प्रिया प्लीज मेरे साथ चलो, चलो ना। कहाँ? हम जल्दी वापस आ जाएंगे, प्लीज चलो ना। पर कहाँ? पास में एक दरगाह है, मेरे साथ वहाँ चलो ना, चलो ना प्रिया प्लीज। दरगाह, स्वामी जी, ये काशी धागा। प्रिया 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 प्रिया, ऐसे तुम्हारी बकवास बंद होने का नाम ही नहीं है। ऐसे मत उतारो, मैं कह रहा हूँ ऐसे मत उतारो। प्रिया तुम, मैं समझ नहीं आता, तुम्हें कब से समझा रहा हूँ मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यू चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, छोड़ो मुझे। ए, क्या कर रहे हो? प्रिया मेरे साथ चलो, छोड़ो प्रिया, चलो मेरे साथ, मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ। प्रिया छोड़ो मुझे, छोड़ उसे, क्या कर रहा है तू? केशर, तेरी जान ले लूंगा मैं, ऐसी हरकतें कर रहा है तू? चलो 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 दिमाग खराब हो गया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? क्या हो गया उसे? मैं देखती हूँ। वक्त क्या हो गया? 9:30। साढ़े बारह बजने में अभी भी 3 घंटे बचे हैं। आज हम हर चीज की तह तक जाएंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ठीक है ना? प्रिया कहां पर है? अपने कमरे में है। सपना, अंदर से मेरा लैपटॉप ले आना प्लीज। सपना, क्या हो गया? सपना, क्या हुआ उसे? सब ठीक तो है? क्या हुआ सपना? अरे तो गिरी हुई है, क्या हुआ? बात क्या है? क्या हुआ सपना? क्या हुआ तुम्हें? शांत क्या हुआ? वहाँ पर भूत है। What happened? मैं सच कह रही हूँ। बस करो सपना, अब रोना बंद करो प्लीज। तेरे में कोई परछाई देखी होगी इसलिए डर गई शायद। मानते क्यों नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने भूत देखा। तुम चलो ना यहाँ से, हमें यहाँ नहीं रह रहा। शांत हो जाओ सपना, शांत हो जाओ, बस करो। कह रही हूँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ पर। ठीक है, मुझे यहाँ नहीं रहना। ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, रिलैक्स, मेरी बात सुनिए, ज्यादा मत सोचिए। उदय, लगता है ये थोड़ा डर गई है, आपके अंकल का घर यहाँ पास ही है ना, जाइए इन्हें छोड़ कर आइए वहाँ, जाइए। सपना अब चलो। सिर्फ मैं नहीं, आप सब भी चलिए यहाँ से सर। हाँ हाँ ठीक है, हम भी चलेंगे। ओके ओके ओके, सब चलेंगे, लेकिन आप चलिए तो सही। हाँ हाँ सब आएंगे।
हमें यहाँ आए 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। ऐसा हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। कौन है? हाँ बोलो किरण। मैं बस स्टैंड पर हूँ, यहाँ से बताइए कैसे आना है अंकल। रास्ता बताऊंगा तो उलझ जाओगे, तुम वहीं रुको, मैं कार लेके आता हूँ। ओके ओके। कार की चाबी वहां ऊपर मधु के कमरे में। ओके मैं किरण को लेके आता हूँ। प्रिया कार की चाबी दो, किरण आ गया है, उसे लेके आता हूँ। आ गया वो? हाँ। ये क्या बचपना है, पागल हो क्या? कार की चाबी कहाँ है? वहां पर। हाँ। ये रुद्राक्ष अपने हाथ में रखकर अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर शीशे के सामने बैठकर अपनी परछाई को 5 मिनट तक बिना पलक झपकते देखती रहना। दोनों हाथ काट दिए ना? हाथ काट दिए, अब आंखें भी निकाल दे। एक्सक्यूज मी सर, दिस इज कॉफी डे। सर अल्कोहल इज नॉट अलाउड। सर अल्कोहल इज नॉट अलाउड हियर। सर प्लीज। ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? क्या ये? क्या ये? सर दफर ये कॉफी है। सर गेट आउट फ्रॉम हियर। जाने दीजिए सर। सर प्लीज सॉरी सर। यहाँ से सर। प्लीज सॉरी सर। सर भाई जाओ ना भाई।
मैडम इनको कुछ बोलो ना प्लीज। सर भाई भाई जाओ ना प्लीज। ये बहुत बड़ा साइको है सर, इसके माँ बाप भी इससे तंग आ गए हैं। जब भी इस पर कोई गुस्सा करता है ना तब ये बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, ये अपने आपे से बाहर हो जाता है, इसलिए इनको संभालने के लिए हमको नौकरी पर रखा है, पता है आपको सर। सर वैसे तो बॉडीगार्ड अपने बॉस की जान बचाते हैं पर हमें अपने बॉस से पब्लिक की जान बचानी पड़ती है सर। प्लीज सर, सर प्लीज सर समझिए सर, सॉरी मैडम प्लीज सर, प्लीज सर। आखिर हो क्या रहा है? वो गुंडा है, उसने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, फिर भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? सर हम क्या करें, हर रोज यही तो होता है, अरेस्ट करते ही ऊपर से फोन आने शुरू हो जाते हैं, मिनिस्टर का प्रेशर आ जाता है, ऊपर तक पहुँचे उनकी। आज तो उसने मेरी बेटी के साथ ये सब किया है, कल किसी और की बेटी के साथ भी करेगा। सर इसका एक सॉल्यूशन है, मेरा प्लान काम कर गया तो वो पक्का अरेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद उसका रास्ता रोक, उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया पता है। ए, 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 छोड़ो मुझे, नहीं जा रहे हो, नहीं छोड़ो उसको। ए, लड़की को छेड़ता है। हाय प्रिया, मैं आ गया। आ गए तुम? ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हा? चलो किरण। हाँ सर, प्रिया ठीक तो है ना? नहीं, वो ठीक से सो नहीं पाई है ना, इसलिए ऐसी हालत है। किरण देखो, बेड बिल्कुल ठीक लग रहा है, जमीन में वाइब्रेशन भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? प्रिया, ये क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? सर कहाँ जा रहे? प्रिया? जी डैडी। तुम क्या तो हुआ सर? तुम अभी वहाँ? मैं अभी क्या? ठीक तो हो तुम? या, आई एम परफेक्टली फाइन। भगवान का शुक्र है। ठीक है, आराम करो। क्या बात है सर, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? नहीं ऐसे ही। किरण, इस घर में चीखें भी सुनाई देती हैं। बाहर आओ सब, अभी के अभी। प्रिया
प्रिया प्रिया प्रिया क्या हो गया बेटा? मार डालूंगा तुम्हें। अरे क्या हो तुम्हें प्रिया? ये कर क्या रही हो? क्या कर रही हो प्रिया? प्रिया प्रिया क्या हुआ डैडी? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? प्रिया प्रिया सर ये क्या उसका प्रिया आपको क्या प्रिया प्रिया तुम्हारी वजह से प्रिया मेरी नहीं हो सकी। अब खुद की आंखों के सामने अपनी बेटी को मरता देख। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। 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 आजा आजा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। आजा 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 आजा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। आजा आजा आजा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। आजा आजा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। आजा आजा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। आजा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। हे नीचे आओ। डैडी डैडी प्रिया 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 उठो प्रिया करो प्रिया तू प्रिया तू संभालो प्रिया छोड़ो इसे प्रिया 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 सर प्रिया शांत हो जाओ प्रिया प्रिया संभालो अपने आप को। इसकी जड़ कहाँ है कहाँ है कहाँ है?
ये रस्सी झूले के लिए बिल्कुल सही रहेगी। फोन? सपना? मैंने तो नहीं किया। यहां से तो किसी ने नहीं किया। हेलो मिस्टर राजा रेड्डी, हमारे घर में एक आत्मा है, आप यहां फौरन आ जाइए। इस रस्सी को जला दो। शांत, वो क्या रहा है ये? संभालो, जल्दी करो, पकड़ो। प्रिया, प्रिया, नहीं बेटा, सुनो मेरी बात। प्रिया, प्रिया, रुको, नहीं प्रिया, सुनो, नहीं प्रिया, नहीं प्रिया, नो प्रिया, 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 प्रिया तुम यहाँ? तुमसे मिलने आई हूँ। तुम मुझसे मिलने आई हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक्स। बाय द वे, तुमने किसी से प्यार किया है? पागल हो, मुझसे कौन प्यार करेगा? क्यों, अच्छे तो दिखते हो और साथ ही अच्छे इंसान भी हो। शादी कब करोगे? पहले 1 करोड़ कमा लूं, उसके बाद शादी करूंगा। अभी तक 1 करोड़ का भूत उतरा नहीं? देख लेना, एक ना एक दिन 1 करोड़ जरूर कमाऊंगा, फिर पता चलेगा कि मैं कितना ग्रेट हूं।